और यहाँ पर बन चुका गाइज हमारा आउटडोर कुकिंग सेटअप। भाई डर भी लग रहा है कहीं कैमरा नीचे न छूट जाए। खतरों का खिलाड़ी बना हुआ भाई आजकल में। और यहाँ पर गाइज पूरी बनाई जाए। दोस्तों यहाँ पर आंगन को जो पुताई करना है स्टार्ट कर दो। गिर गए भाई। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो गाइज आज की ब्लॉग शुरुआत हो रही है ट्रॉली के माध्यम से और मैं चल दिया भाई यहाँ से धौला के लिए बाई ट्रॉली। तो आई होप आप इस ब्लॉग को अंत तक जरूर वॉच करेंगे। और हाँ, पहली बार विजिट किए हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और ये देखिएगा गाइस अभी हूँ मैं ट्रॉली में बीस नदी के ऊपर। तो आज आपको फुल ब्लॉग मिलेगा इसमें बहुत ही ज़बरदस्त। तो उम्मीद इतनी है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा मेरे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं विराट का ब्लॉग। मुझे जाना है सीधा पार। ये शुपिन नदी है, देखिएगा खतरों का खिलाड़ी बना हुआ हूँ भाई आजकल में। और आपको मैं जबरदस्ती ब्लॉग भी देते रहता हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप मुझे जो सब्सक्राइब करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और फेसबुक पेज पे जो फॉलो करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा पहाड़ी लाइफ बहुत ही ज़बरदस्त रहती है भाई, बहुत डेंजर रहती है और बहुत ही फुल मस्ती वाली रहती है भाई। देखिएगा ये देखिएगा भाई डर भी लग रहा कहीं कैमरा नीचे न छूट जाए। तो चलिए सीधे चलते फिर बाहर, फुल ब्लॉग मिलेगा आपको, एंजॉय करते रहिएगा। दबा के लाइक करो, शेयर करो। सो गाइस मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ धौला में और ये मकान देखिए काफी पुराने हो चुके हैं और वीरान से है क्योंकि यहाँ से लोगों ने प्लान कर चुका गांव की। और तो दोस्तों अभी मैं पहुँच चुका हूँ धौला में अपने घर के पास। और गाइस यहाँ पर देखिए आंगन में मेरी माता श्री जो है जो तिल हमने उगाया था खेतों में और इसको जो निकाल के साफ करके पैक करी है। गाइस बता दूँ तिल जो है तिलहन में आता है ये उत्पाद और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक रहता है और इसका जो रोटी के अंदर भी डाला जाता है और चटनी वगैरह बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाया जाता है गाइज। और इतना स्वादिष्ट रहता है कि उत्तराखंड की धरोहर गाइज, ये बहुत ही पौष्टिक रहता है ये। और दोस्तों अभी यहाँ पर जो चावल जो बना के रेडी कर रखा है घर वालों ने और इसके बाद गाइज मैंने थोड़ा बहुत जो आटा वाटा लगाया है यानी कि गूंथा है क्योंकि आज फर्स्ट टाइम जो हम फसलों को आंगन से निकाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम जो थोड़ा पूरी वगैरह प्रसाद वगैरह बांट कर जो ईश्वर को जो भोग लगाते हैं, अन्नदाता को भोग लगाते हैं गाइज। तो मैंने फटाफट से वो आटा बेलना शुरू कर दिया और मैंने आटा बेल के रख दिया गाइज यहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर मेरे पिताश्री ने जो है पूरी बनाना स्टार्ट कर दिया है। और गाइस बता दूं यहाँ पर जो आंगन में सफाई हो रही है क्योंकि आज यहाँ पे आंगन की जो पुताई चलने वाली है इसके बाद। और यहाँ पर गाइस पूरी बनाई जा रही है और इसका कारण यह है गाइस कि बाहर आग इसलिए जला है क्योंकि खुले आसमान के नीचे जो भोग बनाया जाता है वो ज़्यादा शुद्ध रहता है और ज़्यादा अच्छा रहता है भोग लगाने के लिए। दोस्तों यहाँ पर आंगन को जो पुताई करना है स्टार्ट कर दिया है और सामने देखिए गोबर और मिट्टी का मिक्सचर और इसको मैं अभी पैरों से जो गाइस मिलाऊंगा एकदम मिक्स करूँगा। तो फटाफट से मैं इस पे चढ़ता हूँ गाइस और इसको पैरों से जो मिक्स करता हूँ। इससे होता है गाइस जो गोबर होता है स्मूथ एकदम बढ़िया तरीके से जो आंगन में जो चिपक जाता है और निकलता नहीं है। तो ये काफ़ी दिन तक रहता है इसका जो पुताई करके ताकि जो भी दाना वाना होता है वो अंदर ना जाए, बढ़िया तरीके से जो फसल हमको निकल जाती है गाइस। Thank you.
गाइस गोबर का मिक्सचर बनाने के बाद सभी लोग यहाँ पर जो पुताई पे लग चुके हैं आंगन की, और मैं इनके साथ गाइस कैमरामैन बना हुआ हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी इस खूबसूरत धौला होम टाउन की। गाइस इसलिए बनाता हूँ क्योंकि फ्यूचर में कभी भी आज से 10 साल 20 साल बाद जब भी हम इस वीडियो को देखेंगे तो आज के दिन जो काफ़ी याद आएंगे, अपनी पुरानी बातें जो याद आएंगी उसको अपनी छवि को रिकॉर्ड करना बहुत अच्छा लगता है। गाइस पापा यहाँ पर एक बहुत ही लजीज डिश बनाने जा रहे हैं। गाइस मैं अभी पास जाके दिखाता हूँ। गाइस ये है गाइस कद्दू की सब्जी, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और पौष्टिक रहती है गाइस। और यहाँ पर बन चुका है गाइस हमारा आउटडोर कुकिंग सेटअप, रोटी पूरी और चावल दाल और सब्जी वगैरह गाइस, और मिर्च और साथ साथ में लस्सी की बाल्टी गाइस, बहुत ही स्वादिष्ट तरीके से। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा आगे जिधर गुज्जर की कोटे है, वहाँ पे जो गाय वगैरह थी, तो मैं जा रहा हूँ गिल्डा लेके गोबर के लिए, क्योंकि जो आंगन था पूरा लिपाई नहीं हुई उसकी, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसकी लिपाई करने के लिए अभी मैं जा रहा हूँ उधर गोबर लेने के लिए। तो गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ अपनी सुपीन नदी के पास, और मैंने भी एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन बनाया है, क्रिएट किया है। आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, और देखिएगा गाइस क्या बना दिया है भाई मैंने, ये देखिएगा इतना खूबसूरत लग रहा है। गाइस ये देखिएगा पीछे मेरे नदी सुपीन नदी, और ये मैंने यहाँ पे पत्थरों का ढेर करके जो बनाया है, कितना क्यूट लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है भाई देखिएगा, और पीछे बह रही है भाई नदी, कितनी खूबसूरत दिख रही है भाई। गाइज इसको मैं थोड़ा और बढ़ाता हूँ, जरा ऊपर जा रहा है, एक आध पत्ता जरा इसमें टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे, तो कोशिश करता हूँ मैं बढ़ाने की भाई। ये बढ़ जा भाई बढ़ जा, ओ गिर गया भाई, ओ माय गॉड गिर गया। मौसम भी ला रखी मैंने यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि भाई थोड़ा बहुत प्यास भी लग रही है, तो पानी तो पी लिया, तो क्यों ना थोड़ा और मौसम भी खाया जाए, मौसमी का जो लुप्त उठाया जाए। तो ये हमारे पास मौसमी है जो यहाँ पे छाने में पाई जाती है, तो फटाफट से इसको खाते हैं, फिर चलते वापस से परे घर की तरफ। और गाइस ये है हमारे बड़े बड़े खेत जो तोड़ के जो हमने यहाँ पे खेती की थी, और सभी लोग यहाँ पर जो तोड़ को खेत से निकालने जा रहे हैं, और निकालना शुरू कर दिया गाइस, आज से उद्घाटन हो गया खेत में तोड़ को निकालने के लिए। मैं तो बोलूं ये हमारी तोर है, इसकी दाल बनती है, ये 200 रुपए 250 रुपए किलो बिकता, बहुत महंग होती है इसकी देश विदेश में। गाइस धौला से मैं वापस जा रहा हूँ अभी बगीचे, तो ये देखिएगा ट्रॉली जिसमें मैं अभी मैं बैठने जा रहा हूँ। तो गाइस फाइनल में बैठ चुका हूँ, और मैं चल दिया बाय मोतवार के लिए बाय ट्रॉली। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। गाइस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, मिलते हैं आप सभी लोगों को बहुत ही जल्द एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, राधे राधे, टेक केयर, लव यू।